बरकत महीना है रमजान का, और जब आप हक और सच का अलम उठाते हैं या उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हैं तो फिर आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। EDC कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये तकरीबन पिछले पौने दो सालों की कहानी है। हम आइन और कानून के तहत जब एहतजाज करें तो फिर दफ़ा 144 है पर्चे कटते हैं, अगले सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करें, धमकियाँ दें चीफ जस्टिस को, निज़ाम को, वो इख्तदार के मज़े भी लूट रहे हैं। दो नंबर तरीके से फॉर्म 47 के थ्रू वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, काबीना और ऐवान का जो इन्होंने हाल कर दिया है, अक़वामे आलम में पाकिस्तान की जो तस्दीक का सबब ये लोग बन रहे हैं, उससे आपको बताना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट किया है ज़ुल्जलाल के फजल से, ये हर अंधेरे के बाद रोशनी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह एक हरकमंद कौम बनने जा रही है, जो खुददार कौम होती है उसने तमाम आजमाइशों के बावजूद जिस तरह पंजाब की माओ और बुजुर्गों को सलाम, जवानों को सलाम, बेटियों को सलाम, इसी तरह सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की एक हैरतमंद कौम है। हम अपने फैसले खुद करेंगे और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ही हमारा ईमान और यकीन है कि ये मुल्क उस सोच और फिक्र से आज़ाद होगा जिसके फैसले अख्तियार करते हैं। और रही बात वो लोग जो सियासी मदारी, जो फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, फौज भी हमारी है, हम सब एक हैं, एक पेज पे हम मुल्क को एक अजीम कौम बनाने का जो ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल ने देखा, उसको अल्लाह के फजल से अमली जामा पहनाने के लिए हमारा लीडर 71 साल की उम्र में बंदे सलासल और वो जुल्म और बर्बरियत जो वो बर्दाश्त कर रहे हो, और फिर हमारी माएँ बहनें जवान जितने भी चाहे वो जहाँ पे भी हैं जेलों में जिन आजमाइशों से गुजर रहे हैं, उनके प्यारे गुजर रहे हैं, उनकी गुरसा गुजर रहे हैं, तो सिर्फ आपके लिए मैसेज ये है कि हक और सच का लम उठाया हुआ है, हम कानून और आइन की पासदारी करते हुए हर अदालत में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ रब का, और फिर अपनी लीगल फिटर्निटी का, IELF का, नीम पंजोता साहब और बाकी वो तमाम वकला जो हमारे पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में, सलाम है इनकी खैरत को, सलाम है इनकी कमिटमेंट को, हमसे 1 रुपया। मैं एक दिन अली मोहम्मद ख़ान को शुरू में बताने लगा कि जी मचल के कुछ पैसे इन्होंने देने थे, तो मैंने कहा कि ये पैसे हम देंगे, उन्होंने कहा जी शहरयार भाई आज आपने ये बात की है और यही बात इन्होंने अली मोहम्मद ख़ान को भी की, आइंदा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हम अगर खड़े हैं खान के साथ, पार्टी के साथ और आप लोगों के साथ, तो हम नजरी की बुनियाद पर खड़े हैं, हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो लीगल फ्रटर्निटी जब जागती है तो कौम जागती है, कौम की आस और उम्मीद है लीगल फेडरिटी, पार्लियामान के अंदर हो, पार्लियामान से बाहर हो। तो सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कानून और आईन के दायरे के अंदर अपने तमाम जायज़ हकूक लेना भी जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच का अलम उस वक्त तक उठाए रखेंगे जब तक हकीक आज़ादी नहीं हो जाती।